तू हमेशा मुझे इस कैफे में क्यों लेकर आती है? मुझे यहाँ की कॉफी बहुत पसंद है। किरण, जब तूने मुझे पहली बार देखा था तो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ा था? यार मेरे को तो ना डिपार्टमेंट में बस तू ही दिखता था, कॉरिडोर में घूमता रहता था। पहले मुझे लगा कि तू पास आउट होगा, फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि तू तो हमारा सीनियर है। सिर्फ मैं ही दिखता था? मेरा मतलब मेरे अलावा तेरे किसी और से बात नहीं होती? डिपार्टमेंट में तो तेरे अलावा किसी से बात नहीं करती, पर हाँ कुछ स्कूल फ्रेंड से टच में हूँ अभी भी। तू आया था पहले मुझसे बात करने, तू बता मेरा क्या इंप्रेशन था तेरे ऊपर? कर नहीं तारीफ? मैंने तेरे को पहली बार सेमिनार हॉल में प्रेजेंटेशन देते हुए देखा था, जब तेरी टीम में वो लड़का था, क्या नाम है उसका, हरमन। मैंने उसको बाद में कहा भी था, हट पीछे पापी तेरी। हाय, दोबारा कहीं? पर मैं अपनी किसी फ्रेंड को तेरे बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर सब मुझे चिढ़ाएंगे तेरे नाम से, फिर जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यू आर पार्ट ऑफ माय पर्सनल लाइफ, मैं अपनी फ्रेंड्स ना तेरे शेयर नहीं कर सकती। हाँ सही है, अगर हम दोनों की कल को बात होनी बंद हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा इन केस अगर हम दोनों कल को टूट जाए या हम में से कोई चला जाए तो प्रॉमिस कर कि पॉजिटिव नोट पर एंड होगा और एक दूसरे का फोन उठाकर बताकर जाएंगे। मैं ना तेरे थप्पड़ मारना है, बार बार टूटने की बातें क्यों करता है? तू भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तू बार बार ऐसी बातें करता है ना तो मुझे बड़ा डर लगता है। तुझे किसी ने धोखा दिया है क्या लड़की ने? नहीं, वो इसलिए ना क्योंकि जो मेरे बहुत क्लोज होता है ना तो मुझे उसे खोने का डर रहता है, और तू हमेशा कहती रहती है कि जब भी तेरी किसी से अटैचमेंट हो जाती है तो वहां से भाग जाती है। अच्छा ये बता, तेरा कभी दिल नहीं टूटा? दिल जुड़ा ही नहीं तो टूटेगा कैसे? वैसे मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगी, बिकॉज यू आर सो स्पेशल टू मी। तुझे पता है 10 बजे के बाद मैं किसी से फोन पे बात नहीं करती, सिर्फ तेरे लिए एक्सेप्शन है क्योंकि तू मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इतना एफर्ट करता है। वैसे अगर तुझे मुझे छोड़ के जाना होगा तो तू चले जाएं, लेकिन लास्ट टाइम बाय वगैरह करने मत आना, क्योंकि फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। अगर हम किसी वजह से अलग भी हो गए ना तो मैं तेरी फोटो के आगे मैसेज डाल के ना तेरा पोस्टर डिपार्टमेंट में चिपका देना। तू ऐसा करेगा मेरे साथ? पर मुझे पता है कि तू पक्का वापस आएगा मुझे लेने के लिए। तुझे पता है आई रेयरली लाइक एनी बॉय, बट आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू, क्योंकि तू सबसे डिफरेंट है और तू सबसे ज्यादा फ्रेंडली है। तू बता तुझे कैसी लड़कियां पसंद? जो लड़की मुझे हाँ करते ना मुझे वही लड़की पसंद है। फिलहाल तो यू आर माई लेडी लक, क्योंकि जब से तू आई है सारे काम अच्छे हो रहे हैं, एंड आई होप दिस फ्रेंडशिप रीच न्यू लेवल्स। तू अपने आप को फ्रेंड जोन क्यों कर रहा है? तुझे पता है मेरी मम्मी को भी तेरे बारे में बताया था, उनको भी तो बड़ा पसंद आया। चल मैं ढूंढती हूँ ना तेरी लड़की जो तेरे को हाँ कर दे। वैसे अगर कोई है तो मेरी भी उससे फोन पे बात करवा, मैं तुम्हारी बात पक्की कराती हूँ। आफ्टर ऑल तो मेरे भाई जैसा है। पहले रक्षाबंधन पे ना राखी बांध, फिर बनूंगा भाई। सॉरी, मैं अपने भाई के अलावा किसी को राखी नहीं बांधती। मेरा नाम वीर है और मैं तेरा वीर बनना चाहता हूँ, वीरे नहीं बनना चाहता। तो आज पहली बार किसी लड़की को कहने जा रहा हूँ,
आई लाइक यू। आई लाइक यू टू। मैं पहली लड़की हूं ना जिसको तूने प्रपोज किया है। तू इतनी गर्मी में गर्म कॉफी कैसे पी लेती है? भाप से सारा माथा गर्म हो गया मेरा। मेरे हाथ तो देख कितने ठंडे हैं। इधर आ, मैं तेरा माथा ठंडा कर दूँ। ठीक है? यार स्टोरी डालना तो भूल ही गई। रुक। Hey, open up the bottle. Yes. Hold the coffee. It was so good. तूने कहा था कि यू लाइक मी, अब कहाँ गया तेरा प्यार? लाइक और लव में बहुत फर्क होता है, और मेरे अंदर तेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है वीरे।